सामने आए हैं, दैट इज ऑफ कोर्स टाइगर श्रॉफ विथ हिज सिस्टर, जहां वो बागी 3 का एक्चुअल रियल रेस्पॉन्स देखने गए थे। और ये ट्रेंड हमेशा से चलता आ रहा है जहां स्टार्स अपनी फिल्म को सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर जाके देखना पसंद करते हैं, टू सी द रियल ऑडियंस रिएक्शन फॉर मासी एंटरटेनर्स। लेकिन यहाँ पर टाइगर श्रॉफ फैन से मॉब होते होते बचे। ऑफ कोर्स हमने देखा कैसे फिल्म खत्म होने के बाद जब टाइगर श्रॉफ वहां से बाहर निकले तो बहुत सारे लोग एग्जिट करने लग गए उस थिएटर से, एंड देन देयर वाज सडनली अ कियोटिक सिचुएशन, एंड ऑफ कोर्स ही वांटेड टू गेट इनटू हिज कार, और जो डिफिकल्टी फेस उन्हें करनी पड़ी वो साफ नजर आ रहा था, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। Celebs have been mobbed or have been almost mobbed by the fans, क्योंकि fans of course जब celebrities को spot करते हैं things get out of control if there is no proper security provided for the celebrities। और अगर हम stars की बात करें और ये trend की बात करें where they go and watch their films in single screen theaters, we've seen in the past how Ranveer Singh had gone to see his film Simba, हमने कई बार सलमान खान को देखा है जब वो गेटी गैलेक्सी जाते हैं to see the real reaction of his audience. वहीं पर वी सीन हाउ सिद्धार्थ मल्होत्रा रिसेंटली मरजावा के लिए गए थे थिएटर में ऑडियंस का रिएक्शन देखने। लेकिन देर हैव ऑल्सो बीन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जहां पर सिलेब्स मॉब हुए हैं। एक बार रणवीर सिंह को एक्चुअली थिएटर के छत पर जाकर बैठना पड़ा बिकॉज देर वॉज सो मच केओस अराउंड हिम। वी ऑल्सो सॉ हाउ सलमान खान के जो बॉडी गार्ड्स है दे हैड टू काइंड ऑफ पुश सम ऑफ द फैंस। सलमान खान ऑफकोर्स wasn't happy with that, लेकिन कहीं ना कहीं crowd control करना बहुत ज़्यादा difficult, and that is why there should be proper security for the celebrities, there should be a proper plan of entry and exit। कुछ ऐसे stars भी हैं जो film शुरू होने के 10 minute बाद enter करते हैं theaters में, reactions देख लेते हैं, और climax ख़त्म होने के just पहले वो film वहाँ theater से exit करते हैं, because if you wait till the end, film ख़त्म होने के end तक अगर आप रुकोगे तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं खड़ी हो ही जाती है। जब बहुत सारे लोग उस थिएटर से निकलते हैं आपको स्पॉट करते हैं तो कियोटिक मामला बन ही जाता है। और अगर हम रिसेंटली बात करें जब वर्स्ट सिनारियो जहां सेलेब्स हैव बीन मॉब्ड बाय द फैंस इज ऑफ वरुण धवन एंड नोरा फतेही, जब वो माउंट मैरी चर्च गए थे मुंबई में बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D सॉन्ग गर्मी। गर्मी सॉन्ग के रिलीज से पहले दे हैड गॉन टू टेक द ब्लेसिंग्स, एंड चर्च में अगर आप वो वीडियो देखोगे यू विल रियली एक्चुअली गेट स्केयर्ड फॉर नोरा फतेही एंड वरुण धवन, वेयर दे हैड एब्सोल्युटली नो बॉडी गार्ड्स। ऑफकोर्स लोकल्स वहाँ के जो थे दे काइंड ऑफ ट्राइड टू हेल्प वरुण एंड नोरा फतेही गेट आउट। It was a sudden plan out of nowhere. Remo D'Souza, Varun and Nora decided to go to the church, and there was not much security for them, but of course there were some people who were trying to rescue Varun Dhawan and Nora Fatehi, but bahut hi dreadful incident। And फैंस का क्या होता है जब वो सेलिब्रिटीज़ को स्पॉट करते हैं एंड दे काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ कंट्रोल, दे एवरीबडी वॉन्ट्स अ सेल्फी। नाउ इमेजिन 20, 30, 40, 50 पीपल आस्किंग फॉर अ सेल्फी फ्रॉम 2 स्टार्स एंड डेफिनेटली थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल। सो वी रियली होप दैट इन द फ्यूचर जब भी कोई पब्लिक अपीयरेंस करने की प्लानिंग करे सेलेब्स, आई होप कि प्रॉपर अरेंजमेंट्स एंड प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स हैव बीन थॉट ऑफ, बिकॉज दीज थिंग्स काइंड ऑफ गेट आउट ऑफ कंट्रोल। एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम भी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर अगर सेलिब्रिटीज जाए तो प्रॉपर सिक्योरिटी हो, ताकि ऐसा कियोटिक मामला सिर्फ सेलेब्स के लिए ही नहीं फैंस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में स्टैम्पेड भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई टू काइंड ऑफ थिंक फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सेलेब्स एज वेल एज द फैंस, देयर शुड बी प्रॉपर प्रोटोकॉल दैट शुड बी फॉलोड।